नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। हनुता बांध अर्जन पुनर्वास और विकास को लेकर कलेक्टर और विधायक ने किसानों से किया सीधा संवाद। विधायक हरी सप्रे ने कहा कि हर चीज का मुआवजा मिलेगा। विदिशा के पठारी में प्रस्तावित हनुता बांध निर्माण को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जिसकी धारा 19 का प्रकाशन होना है, जिसको लेकर विधायक और कलेक्टर अपने अमले के साथ ग्राम चोपड़ा में लोगों की समस्याओं को सुनने पहुंचे। किसानों ने अपनी पैतृक संपत्ति खोने का दर्द बताया, वहीं आने वाली समस्याओं दिक्कतों से अवगत कराया। कलेक्टर और विधायक ने ग्रामीणों को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए समस्याओं का निराकरण के सुझाव दिए। शुक्रवार को प्रस्तावित हनुता बांध में 100% डूब रहे चोपड़ा गाँव में प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्याओं के निदान के लिए शिविर का आयोजन किया, जिसमें कुरवाई विधायक हरी सिंह सप्रे, कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन, एडीएम वृंदावन सिंह, एसडीएम आरती यादव, सागर जल संसाधन विभाग के ईई शरद त्रिवेदी ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, जिसका हर संभव निदान करने का प्रयास किया जाएगा। जिला विदिशा तहसील पठारी से नेत्राम साहू के साथ आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। मकान भी है, एक 100 फुट दूर है तो एक 200 फुट दूर है, ऐसी कई सुविधा अनुसार हम लोगों के पास मकान बनाए हुए हैं। हम सभी किसान तो जो हमारों को दो दो तीन तीन मकान है हमारों के लिए, उतनी जगह हमारों के लिए दी जाए, क्योंकि जैसे ट्रैक्टर के हैं, हार्वेस्टर हैं, मोटरसाइकिलें हैं, जीपें हैं, तो हम लोग धरें कहाँ? 1000 फुट में कैसे माने, बताओ साहब आप। तो हमारों के लिए, चूँकि हमारे जैसे 3 प्लाट हैं तो व्यवस्थित 3 की जगह में 1 करके दाव जाए, 1 प्लाट दाव जाए, हैं तो हमारे को एक तो सुविधा वहाँ हुई है साहब। तो और भी जो भी सुविधाएँ हैं, जैसे कि जमीन सिंचित है, तो जो फसल अभी मैंने बोल रहे हैं तो वह सिंचित है तो प्रयुक्त होगा। जल की उपलब्धता के लिए परियोजना के कुल जल भराव में 150 मिली घन मीटर एवं जीवित जल भराव में 146.44 मिली घन मीटर है। इसमें से पेयजल भी आरक्षित किया जाएगा और पानी का उपयोग सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से 1 हेक्टेयर कमांड एरिया तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ उच्च दबाव पाइपलाइन से पानी की उपलब्धता स्प्रिंगल द्वारा भी किया जाएगा। जो कहती है कि हम एक वृहद सर्वेक्षण करेंगे एवं जनगणना करेंगे। हमारी टीम के द्वारा आरएनआर स्कीम बनाने के लिए सर्वेक्षण किया गया है और साथ ही साथ जनगणना अभी जो हमारा प्रकाशन होगा, हर गांव में उसका शिविर भी लगेगा और ग्राम सभा के माध्यम से भी उसका वाचन किया जाएगा। जिस भी व्यक्ति की कोई भी आपत्ति है उसका वहाँ पे वैधानिक निराकरण किया जाएगा। आपने जो गाइडलाइन रेट बढ़ने का जैसे ना बढ़ने का विषय बताया, उसका भी उसमें निराकरण किया जाएगा। समझा जाए आपको कुआ बावरी नल हैंडपम्प जे कछु रहेगा हो, ये भैंस बांधने की सार, गैया बांधने की सार, मैं तो किसान में सब जानता हूँ, सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। पहले तो हमें बहुत दर्द है कि 19 गांव जा रहे हैं, मंदिर बनो बाप दादों को, अपने परदादों की सारी चीज़ें हैं, संपत्ति तो बहुत काफ़ी परेशान हुए थे वहाँ पे पहली बारिश में, तो उनके लिए सर पहले से कुछ इंतजाम किए जाए? वैसे वन विभाग से हम कोऑर्डिनेशन में हैं, पर तो आपने विषय उठाया तो हम जरूर उसको करेंगे। मुख्यतः वन विभाग का इसमें एक्टिव कोऑर्डिनेशन रहेगा, उसका कैसे रिलोकेट कर सकते हैं या उनको कहाँ कर सकते हैं उसको जरूर। सर डैम से हट के पठारी में सर दो चीज़ें, 1 करोड़ का एक खेल मैदान है, पहले आप डैम का पूछ लें तो मेरे ख्याल से डैम स्टेप वाइज चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।